वी डू नॉट नो कि हम अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं, और उसने आगे जब 10-15 सालों बाद एजुकेशन गेन करने के बाद मार्केट में जाना है तो उस वक्त की ज़रूरियात क्या होंगी। फॉर दैट थिंग वी वर्कड इन आर ऑफिसेज कि हमने काम किया कि हम अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, और उसके लिए फिर हमने अपना एक टारगेट सेट किया। इन द बिगनिंग दैट टारगेट वॉज द प्रोफेशनल्स एंड सक्सेसफुल सिटीजन्स। देन वी गॉट द पॉइंट दैट व्हाट इज सक्सेस एंड व्हाट इज ए सक्सेसफुल सिटीजन। सक्सेसफुल सिटीजन बेसिकली हम उसको कंसिडर करते हैं जो अपने मुल्क के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहा हूँ। लाइक मंशा जो है, अगर वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो वो हमारे मुल्क के लिए जो है वो इकोनॉमी को बूस्ट अप कर रहे हैं। और हमने फिर अपना टारगेट जो है वो ना सिर्फ प्रोफेशनल के साथ उसको चेंज किया, और हमने फिर जो है वो तमाम प्रोफेशंस को, बिजनेसमैन को और इन चीज़ों को इंक्लूड किया, और हमने ये चीज़ देखी कि सक्सेसफुल बंदा बन कैसे सकता है। और हमने फिर अपना जो टारगेट सेट किया कि हमने अल्टीमेटली जो है वो फ्यूचर लीडर्स पैदा करने हैं। और फ्यूचर लीडर्स मींस दैट डजंट मीन कि वो पॉलिटिक्स में आगे हुए काम करेंगे, दैट मींस कि जिस भी फील्ड ऑफ जिस भी शोबे में, जिस भी प्रोफेशन में वो जाएंगे वहाँ पर वो एक्सेल करेंगे। और हमारे मुल्क को जो है वो ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है जो कि आगे प्रोफेशंस के अंदर और हर फील्ड में काम कर सकें, और काम करने के साथ इस मुल्क को जो है वो तरक्की दे सकें। और इंशाल्लाह ताला ऑन दिस वेरी स्टेज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स ऑफ द स्टाफ ऑफ किप्स स्कूल कि वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम जो आज की जो जनरेशन है इसको हम ग्रूम करें और इसको इंशाल्लाह ताला उस पॉइंट पर लेकर आएँ जहाँ जाके इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में लीड करना है बल्कि वर्ल्ड को लीड करना है।